ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं न्यूटन की गति के नियम। ठीक है, ये टॉपिक लेंगे आज। तो न्यूटन की गति के नियम NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन की गति के नियम, ठीक है, NLM। शॉर्ट में लिखा, शॉर्ट में क्यों लिखा, क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न एक ही है कि मैं आलसी हूँ, ठीक है। और मेरा मानना है कि जो भी साइंस सब्जेक्ट लेता है, या तो जो साइंस सब्जेक्ट के साथ चल रहा है या फ्यूचर में साइंस लेने वाला है, वो सबसे बड़ा आलसी है, है? मेरा मानना है आलसी लोग ही साइंस लेते हैं। क्यों लेते हैं बताओ? क्योंकि वो एक सवाल जिसका सॉल्यूशन एक पेज में होने वाला है, उसको वो दो लाइन में करने का टैलेंट रखते हैं। वो चाहते हैं कि मेहनत ज़्यादा ना हो, आंसर आ जाए, सही है? तो जो साइंस सब्जेक्ट के आसपास आएगा वो आलसी होगा, और आलसी लोग अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं बताओ? क्योंकि आलसी लोग जो हैं वो बड़ी समस्याओं को आसानी से हल करने के तरीके ढूंढ लेते हैं। कैसे? जैसे दो लोगों को यदि एक काम दिया जाए, एक प्रोजेक्ट दिया जाए कि एक महीने में प्रोजेक्ट पूरा करना है, उसमें से एक एक्टिव है और एक आलसी है। दोनों को प्रोजेक्ट दे दिया, बोले प्रोजेक्ट पूरा करो, आपको माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में एज ए CEO जॉब मिलेगी जो प्रोजेक्ट पूरा करेगा। तो जो एक्टिव बंदा होगा ना, वो पहले दिन से टाइम टेबल सेट करके और लग जाएगा, दिन में मान लो 18-18, 20-20 घंटे वर्क करेगा और सारा दिन मेहनत करके एक महीने में वो अपना प्रोजेक्ट तैयार करेगा बहुत अच्छे ढंग से। और जो आलसी होगा वो पता है क्या बोलेगा कि 30 दिन का टाइम दिया है, पहले 20 दिन तो मैं कहीं घूम के आता हूँ, बहुत टाइम है अभी तो, है ना? तो पहले 20 दिन तो बाहर घूमने निकल जाएगा, घूम फिर के वापस आएगा, फिर उसे याद आएगा प्रोजेक्ट करना है, फिर पता लगाएगा क्या टॉपिक था, कहाँ से करना है, फिर लास्ट में जब 2-3 दिन बचेंगे ना, तब सारा जोर लगा के कंप्लीट करके ले जाए, कंप्लीट वो भी करके ले जाता है, ले जाता है। तो फिर इससे क्या मतलब, आज की किसकी वैल्यू है? टाइम की वैल्यू तो है। तो इससे क्या पता लगा कि जो काम एक्टिव बंदे ने 30 दिन में किया, वही काम आलसी ने कितने दिन में कर दिया? 3 दिन में। अच्छे से करे तो वो कितने में हो जाएगा? 6 दिन में हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। कितने दिन बचाए उसने? 24 दिन। तो मुझे आलसी लोग बहुत पसंद हैं, और मैं भगवान से दुआ करता हूँ मुझे जितना हो सके आलसी बनाए, ठीक है? और जो साइंस में होते हैं वो आलसी होते हैं, क्योंकि वो बड़े कामों को कम समय में करने का तरीका ढूंढ लेते हैं, ठीक है? जो पुरानी कहावतें चलती हैं उनके खिलाफ हूँ मैं। पहले कहते ना आलस्य अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, ठीक है? आप ही देख लो, दिवाली का होमवर्क किया नहीं है आपने? दिवाली का होमवर्क, जैसी दिवाली आएगी, छुट्टी आई, दिवाली का होमवर्क मिला, और दिवाली का होमवर्क मिलते ही नई कॉपी लेके आएंगे, और उसके पेजेज में पता नहीं क्या वो दीपक वीपक वो बना के बढ़िया सजाएंगे, और सजा के वो रख ही रहेंगे। होमवर्क तो वो लास्ट दिन ही होता है, रात जाग के, कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता। लेकिन इससे क्या साबित होता है कि होमवर्क लास्ट के 1 या 2 दिन में भी हो जाता है, 7 दिन का होमवर्क, ठीक है? तो आलसी बनो। तो शुरू करें, मैं पढ़ाता कम हूँ, बातें ज़्यादा करता हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो आधा घंटे बाद मैं ऑफिस में फ्री हूँ, आके सॉरी बोल देना, ठीक है? देखो NLM है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसको स्टार्ट करें। तो यहाँ पे पहला टॉपिक आता है अपना, सबसे पहले समझते हैं अपन जड़त्व, इनर्सिया। जड़त्व क्या होता है? इनर्सिया। तो अपने सबसे पहले एक अरस्तु नाम का साइंटिस्ट था, इंडियन, अरस्तु ने सबसे पहले बताया था कि जो भी वस्तुएं मोशन में होती हैं, जो भी वस्तुएं गतिमान होती हैं, तो उन वस्तुओं को गतिमान रखने के लिए किसी न किसी बाह्य बल की आवश्यकता होती है, किसी न किसी बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, होती है कोई ना कोई बाह्य बल की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप देखा होगा पहले के ज़माने में वो रामायण चली थी, अभी तीर चलाते थे, हवा में चलते हुए जाता था। तो अरस्तु ने क्या बताया कि ये तीर हवा में चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू अरस्तु वो जो तीर है उसको आगे कौन धकेलता है? हवा।
कौन धकेलती है? हवा, एयर जो है वो उसको आगे धकेलती है। यह अरस्तू का स्टेटमेंट था कि कोई भी चीज़ अगर आगे चल रही है तो उसके आसपास कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो उसे आगे धकेल रहा है। ये सबसे पहले किसने पता लगाया? अरस्तू ने। लेकिन उसके बाद एक गैलीलियो नाम का साइंटिस्ट आया, गैलीलियो है ना, तो गैलीलियो ने इस स्टेटमेंट में चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि अरस्तू का ये स्टेटमेंट पूरी तरह से ठीक नहीं है। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने जड़त्व के बारे में बताया। तो पहले जड़त्व समझना है। जड़त्व क्या है? इनर्सिया, जड़त्व, ये गैलीलियो ने बताया। ठीक है, तो गैलीलियो ने क्या बताया? जड़त्व का मीनिंग ये है कि कोई भी वस्तु है वो अपनी जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहना चाहती है। कोई भी वस्तु है वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जैसे ये टेबल है, ये यहाँ रखी है, ये ऐसे रहना चाहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर ना लगाए, बाह्य बल इस पर ना लगाए। समझ रहे हो? मतलब प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना चाहती है। अभी बताया था आलसी, वही, ये जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहना चाहती है, कुछ नहीं करना चाहती। हम भी नहीं करना चाहते पढ़ाई लिखाई, ये तो घर पे से भेज देते हैं और यहाँ पढ़ना पड़ता है ना। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो, ये जिस स्थिति में, ये उसी स्थिति में रहना चाहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल लगाया नहीं जाए। क्लियर है? अगर कोई वस्तु गतिमान है, गतिमान, तो वो गतिमान ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, है ना। तो जड़त्व क्या होता है? जड़त्व वर्ड का मीनिंग है अपरिवर्तन, अपरिवर्तन मतलब कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, जैसी है जिस अवस्था में है वैसी ही रहना चाहिए कोई भी वस्तु। समझ रहे हो? अब थोड़ा स्टैंडर्ड बोलें तो ऐसे बोल सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। कैसे? जैसे ये बेंच रखी है, इस पर आप हल्का सा बल लगाओ, 1 न्यूटन, बहुत कम, स्मॉल फोर्स, 1 न्यूटन, क्या इसकी पोजीशन में कोई चेंज आएगा? नहीं। 2 न्यूटन, कोई चेंज नहीं आएगा, बहुत कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हमने फोर्स अप्लाई किया फिर भी इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, इसकी अवस्था परिवर्तित नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, अपोज करती है। समझ रहे हो? ये विरोध करती है। आपने जोर लगाया नहीं हिला, अगल बगल जाके देखा किसी ने पकड़ तो नहीं रखा, नहीं, किसी ने नहीं पकड़ रखा, फिर क्यों नहीं हिला? क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टी है, ये सेल्फ प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। समझ रहे हो? मूलभूत गुण है इसी के अंदर कि अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करिए। ठीक है, एक ट्रेन चलती आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, और ट्रेन के आगे खड़े होकर रुक जा, क्या रोक पाओगे आप? ना, क्योंकि वो भी अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वो गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहती है वो, आप उसे नहीं रोक सकते। कब रोक सकते हो? जब आप फोर्स कितना लगाओ, जितना फोर्स ट्रेन लगा रही है उसी के इक्वल फोर्स अगर आप लगाओ तब भी विरोध करती है। तो जड़त्व समझ में आया आपके? जड़त्व क्या होता है? प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। कोई भी वस्तु अपने आप अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता तो आज जो बुक आपने जिस कमरे में रखी अगले दिन वो पड़ोसी के घर में मिलती है। तो प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। कोई भी वस्तु अपनी अवस्था अपने आप परिवर्तित नहीं कर सकती। वस्तु के इसी गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का गुण। ठीक है, समझ में आया? तो ये सबसे पहले किसने बताया बताओ? गैलीलियो ने। किसने बताया बताओ? गैलीलियो ने। तो ये आपको याद रहेगा।
फिर जड़त्व का पता किससे लगता है, जड़त्व का मापक मीजरमेंट क्या होता है, कैसे पता लगाएं कि कौन सी वस्तु में जड़त्व का गुण ज़्यादा है और कौन सी वस्तु में कम है। तो ये मास द्रव्यमान से पता लगता है, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसमें जड़त्व का गुण ज़्यादा होगा। कैसे, एक छोटा सा कंकड़ है उसको लात मारो पता नहीं कहाँ जाएगा, लेकिन एक बड़ा सा पत्थर है उसको लात मारो। तो किसकी पोजीशन चेंज होगी, छोटे वाले की हो जाएगी क्या, बड़े वाले की पोजीशन चेंज होगी, वो आपकी पोजीशन चेंज कर देगा, कर देगा यानी। तो दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ, मास द्रव्यमान, बड़े वाले का द्रव्यमान क्या है ज़्यादा है और छोटे वाले का क्या है बताओ कम है। तो समझ में आया, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उस वस्तु में जड़त्व का गुण भी ज़्यादा होगा, ठीक है, समझ आ रहा है आपके। तो ये बताया था गैलीलियो ने, ये बात सुन के न्यूटन अंकल खुश हो गए, है ना, न्यूटन का नाम सुना होगा, वही वाला सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से सेब गिरा, सुना है ना, वही वाला। वो सेब नहीं गिरता तो आधी फिजिक्स गायब हो जाती है, कम पढ़नी पड़ती, गिर गया मैं होता ना तो ऊपर से ले आता, नीचे गिरने नहीं देता कि मुझे भी तो पढ़ानी पड़ रही है तो देखो, फिर न्यूटन अंकल ने ये बात सुनी तो वो बड़े खुश हुए, तो उन्होंने गति के तीन नियम बना दिए इसी को सुन के, ठीक है। होता ही है ना ऐसा कि पड़ोसी कुछ बात कर रहा है, बगल वाले ने सुन ली तो वो बात का बखेड़ा बना देते हैं, वो वाला खेल किया इन्होंने, समझ रहे हो, बात का बतंगड़ बनाना। तो देखो अब पहला नियम, देखो फिजिक्स है ना, फिजिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, जैसे मैं बना रहा हूँ, आज तक ऐसी फिजिक्स आपने नहीं पढ़ी होगी, है ना। हंसते खेलते जो पढ़ते हैं ना वो लंबे समय तक याद रहता है, मेरा मानना जो हंसते खेलते अपन पढ़ते हैं वो लंबे समय तक याद रहता है, और गुस्से में मुंह फुला के पढ़ते हैं ना वो यहाँ का यहीं रह जाता है, ठीक है, वो सीखने में नहीं आता है। तो देखो आप पहला नियम, न्यूटन की गति के नियम, तो सबसे पहले न्यूटन अंकल ने पहला नियम दिया जड़त्व का नियम, गति का प्रथम नियम, या इसको अपन बोलते हैं जड़त्व का नियम, ठीक है। तो जड़त्व के नियम में क्या कहा, वही जो गैलीलियो का स्टेटमेंट था वही इसने दिया सेम, क्या कहा कि कोई भी वस्तु जो या तो स्थिर अवस्था में हो या फिर वो सरल रेखीय गतिमान अवस्था में हो, सरल रेखा में गति कर रही हो, तो वो अपनी स्थिति को तभी बदल सकती है, वो अपनी अवस्था को तभी बदल सकती है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाए, समझ रहे हो, किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तित तभी हो सकती है जब उस पर बाह्य बल लगाया जाए। तो इसने क्या दिया, जड़त्व का नियम क्या बताया, जो आपने बचपन में पढ़ा है पहले, वो क्या पढ़ा है कि कोई भी वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, और गतिमान है तो गतिमान रहेगी, कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए, यही क्या है बताओ, जड़त्व का नियम, ठीक है। दूसरे शब्दों में आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, बाह्य बल नहीं लगाया, तो बाह्य बल नहीं लगाया मतलब बल कितना हो गया इस पे, बाह्य बल कितना हो गया बताओ, शून्य, बाह्य बल ना लगाया जाए, है ना। और बल का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, एफ का कितना पढ़ा होगा, एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, पढ़ा है ना, द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान गुणा त्वरण बराबर जीरो, द्रव्यमान नियत राशि है, ये कभी बदलती नहीं है, जैसे कोई वस्तु लोगे उसको आप गति में उपयोग कर रहे हो, 2 किलो की वस्तु है तो उसका द्रव्यमान थोड़ी बदलेगा गति के दौरान, नहीं बदलता, तो नियत राशि को जीरो में भेज देते हैं तो त्वरण भी कितना आ जाएगा बताओ, शून्य। तो दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल शून्य है तो उस वस्तु का त्वरण भी क्या होगा बताओ, शून्य, ठीक है। तो जड़त्व के नियम को 2 तरीके से बता सकते हैं, पहला तो क्या, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी, और गतिमान है तो गतिमान रहना चाहेगी, कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना कर, या दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हो, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल शून्य है
तो उस वस्तु का त्वरण भी शून्य होगा। त्वरण शून्य होगा मतलब उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है, समझ आया? अब देखो, ये जो जड़त्व है वो तीन प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ इनर्सिया तीन प्रकार का होगा। पहला होगा स्थिति का जड़त्व, दूसरा होगा आपके पास गति का जड़त्व, तीसरा होगा आपके पास दिशा का जड़त्व। ठीक है, इनर्सिया ऑफ पोजीशन, इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ये तीन टाइप का होगा। स्थिति का जड़त्व मतलब क्या है? स्थिति का जड़त्व मतलब कोई भी वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। स्थिति मतलब स्थिर रहना चाहेगी। ठीक है, कोई भी वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। एग्जाम्पल, कुछ ऐसे उदाहरण जो आपको डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं वो मैं आपको बताऊं। पहला एग्जाम्पल, बस खड़ी है, बस में आप बैठे हो। ठीक है, बस खड़ी है बस स्टैंड पे, आप बस में बैठे हो, बस स्थिर है, आप उसके अंदर बैठे हो, आप भी स्थिर हो। अब जैसे ही बस ड्राइवर बस को स्टार्ट करेगा तो बस ड्राइवर बस को स्टार्ट करेगा, बस को गतिमान करेगा, आपको थोड़ी करेगा, नहीं। तो बस तो गतिमान होगी, बस तो चालू होगी, बस आगे बढ़ेगी। तो जैसे ही बस स्टार्ट होती है, आगे की तरफ बढ़ती है, तो आपको किधर धक्का लगता है? पीछे की तरफ। ऐसा नहीं है कि आप पीछे की तरफ जाते हो, आपको महसूस होता है कि हम पीछे गए, बाकी आप पीछे नहीं गए, बस आगे गई। कैसे हुआ? कि बस स्थिर है, आप उसके अंदर बैठे हो, आप भी स्थिर हो। जब बस ड्राइवर ने बस को चलाया तो बस गतिमान हुई ना, बस बल किस पे लगाया? बस पे। तो बस गतिमान हुई, आप थोड़ी हुए, आप पे थोड़ी लगाया बल, नहीं। तो बस गतिमान हुई तो बस आगे निकल गई, आप तो जहां थे वहीं रह गए, स्थिर थे और स्थिर ही रहना चाहोगे। सही है क्या? बताओ, समझ आ रहा है? आप स्थिर थे, स्थिर ही रहना चाहोगे, तो आप जहां थे वहीं रह गए, बस आगे की तरफ गई, तो पीछे की सीट आपके जाके भिड़ी, तो आपको ऐसा लगा जैसे हम पीछे आ गए। आए या नहीं? तो जब बस स्टार्ट की तो आप जहाँ बैठे थे आप स्थिर थे और स्थिर ही रहना चाहोगे, इस कारण आपको क्या कैसा महसूस होता है कि हम पीछे की तरफ गए। क्लियर है? दूसरा देखो, एग्जांपल नंबर दो, एक कांच का गिलास रखो, उसके ऊपर एक गत्ता रखो, गत्ते के ऊपर एक सिक्का रखो, पतला सा गत्ता और उसके ऊपर एक सिक्का, और वो जो गत्ता है ना उसमें तेजी से यूं मार दो, यूं ऐसे यूं, ताकि गत्ता ग्लास पे से हट जाए, एक कोने पे से मारो। तो जब आप तेजी से मारोगे, उच्च वेग के साथ जैसे ही मारोगे, तो गत्ता आगे निकल जाएगा और ग्लास का वो सिक्का जो है वो कहाँ गिर जाएगा? ग्लास में गिरेगा या नहीं? कारण क्या है? हमने गति किसको दी? गत्ते को। सिक्का पहले स्थिर था तो वो तो स्थिर ही रहना चाहेगा क्योंकि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया, तो गत्ता तो आगे निकल गया, सिक्का स्थिर था, स्थिर ही रहना चाहेगा, सिक्का वहीं रह गया, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण वो किधर गिर गया बताओ? नीचे। क्लियर है, समझ में आया? आगे देखो, अपने घर पे आप कोई पर्दा ले लो, पर्दा टंगा हो उसको खोल लो, हाथ में ले लो और हाथ में एक लकड़ी ले लो और उसमें मारो, तो आप देखना धूल झड़ती है, मिट्टी गिरती है? नहीं। क्यों गिरती है? पर्दा आपने रखा, पर्दा स्थिर है, उसके अंदर धूल के छोटे छोटे कण फंसे हुए हैं, वो भी स्थिर है। जब आपने स्टिक से, छड़ से जब उसे पीटा, मारा, तो गति जो थी वो किसकी हुई? पर्दे की। पर्दा तो गति कर गया, लेकिन जो धूल के कण थे ना, धूल के कण, वो स्थिर थे और स्थिर ही रहना चाहेंगे, वो स्थिर थे और स्थिर ही रहना चाहेंगे। बोलो, होगा या नहीं? तो वो स्थिर थे तो धूल के कण वहीं रह गए और पर्दा कहाँ निकल गया? आगे। और फिर गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण वो कहाँ गिर गए? धूल के कण नीचे। एक और देखो,
पेड़ की टहनी हिलाने पर फलों का टूटना होता है क्या? ऐसा पके हुए फल लटके हुए हैं पेड़ पे, उसकी टहनी पकड़ के जोर से हिला दो, टूटते हैं नहीं? क्यों टूटते हैं समझो, टहनी है, टहनी पे फल लगे हुए हैं, जैसे आम लगा हुआ है, मैंगो, ठीक है। तो जैसे आप टहनी हिलाओगे तो बल किस पे लगाया? टहनी पे, टहनी गतिमान हो गई। आम पहले स्थिर था और बाद में भी कैसा रहना चाहेगा? वो स्थिर। तो आम स्थिर था, स्थिर ही रहना चाहेगा, और टहनी गतिमान हो गई तो टहनी गतिमान हुई, आम स्थिर था स्थिर रहना चाहेगा, झटका लगा, झटका लगने से वो टूट गया, समझा। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जो मैंने बताए स्थिति के जड़त्व के। इसमें क्या था? जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही रहना चाहेगी। दूसरा आता है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व मतलब जो वस्तु गतिमान है वो गतिमान ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। कैसे? वही बस में बैठो दोबारा, पुरानी वाली में चालू कर दी थी ना वो, अब मान लो वो हाईवे पे चल रही है वो बस, आप उसके अंदर बैठे हुए हो, अब अचानक से बस ड्राइवर ब्रेक लगा दे, अचानक से बस ड्राइवर ब्रेक लगा दे, तो जैसे ही बस ड्राइवर ब्रेक लगाता है पता नहीं क्या होता, आप उठ के बस ड्राइवर के पास पहुंच जाते हो हैं पूछने के लिए कि ब्रेक क्यों लगाया, होता है क्या? और जो गली में खड़े होते हैं वो तो ये चाहते हैं कि हम बस से बाहर निकल जाएं, आगे से ही शीशे में से, होता है नहीं? क्यों हुआ ये? इसी के कारण हुआ, गति के जड़त्व के कारण। कि जब हाईवे पे बस चल रही है तो बस गतिमान है, और बस के अंदर आप हो तो आप भी गतिमान हो, तो आप गतिमान हो। अब जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो बस तो रुक गई, ब्रेक लगाने पे बल किस पे लगाया? बस पे, तो बस तो रुकेगी, लेकिन आप तो गतिमान थे और आपके अंदर तो कोई ब्रेक लगे हुए हैं नहीं, है ना? तो आप गतिमान थे, गतिमान रहना चाहोगे तो बस तो रुक जाती है और आप आगे पहुंच जाते हो कि अंकल जी ब्रेक क्यों लगाया बताना, होता है नहीं? ठीक है। दूसरा देखो, चलती हुई बस से उतरते हैं तो जैसे ही चलती हुई बस से आप उतरते हो तो कंडक्टर साहब क्या बोलते हैं? ये मुंह आगे करके उतरना नहीं, थोड़ा चेंज हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। वो वैसे खड़ूस से होते हैं, गुस्साए हुए रहते हैं यात्रियों, तो मुंह आगे करके उतरना नहीं, चेहरा नहीं देख पाएगा शीशे में, क्यों बोलते हैं? रीजन क्या है कि बस गतिमान है, उसके साथ आप भी गतिमान हो, तो जब आप बस से नीचे उतरोगे तो आप गतिमान हो और गतिमान ही रहना चाहोगे। तो जब आप बस से जैसे ही कूदते हो तो आपकी जो अवस्था है वो वैसी रहती है, आप गतिमान थे और उतनी स्पीड से गतिमान रहना चाहोगे, तो आप कूदने के बाद थोड़ी दूर तक भागना पड़ता है, तब जाके वो कंट्रोल होता है। अगर आप उल्टा बैक साइड में मुँह करके उतर गए तो गतिमान आगे हो और आगे ही भागना होगा, उल्टे उतर गए तो उल्टे भागने की तो प्रैक्टिस की नहीं हमने, तो आप वहीं गिर जाओगे, गिरोगे या नहीं, समझ आ रहा है आपकी? तो आप गतिमान थे, गतिमान ही रहना चाहोगे, इसलिए आपको थोड़ी दूर भागना पड़ता है, तब जाके कंट्रोल होता है। तो ऐसे एग्जांपल देखने को मिलते हैं। एक घुड़सवार, हॉर्स राइडर, घोड़े पे बैठा है और बहुत तेज घोड़ा भाग रहा है, अचानक से घोड़ा रुक जाए, मान लो रेस लगा रहा है, वहाँ पे वो फाइनल पॉइंट है रिबिन है, रिबिन पे पहुँचते जीत जाएगा। अब घोड़ा यहीं पे रुक जाए अचानक से तो भी वो जीत जाएगा, जीतेगा या नहीं? कि घोड़ा अचानक रुक जाए तो वो अंकल जी कहाँ जाएंगे? सीधे रिबिन पे क्यों जाएंगे? वही है, घोड़ा गतिमान है, ऊपर से घुड़सवार गतिमान है, घोड़े ने ब्रेक लगा दिए, लेकिन ये तो गतिमान है, गतिमान ही रहना चाहेंगे, आगे जाके तो गिरेंगे। डेली लाइफ में बाइक, स्कूटी ये चलाते हो, ब्रेक लगाने के बाद भी चलती रहती है ना आगे तक, गतिमान रहना चाहती है, ऐसे थोड़ी ब्रेक लगाते ही रुक गई, गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है, धीरे धीरे कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये कुछ गति के जड़त्व के उदाहरण थे, ठीक है। तीसरा आता है आपके पास दिशा का जड़त्व। दिशा, दिशा का जड़त्व क्या कहता है? कि कोई भी वस्तु जिस दिशा में गतिमान है वो उसी दिशा में गतिमान रहेगी, कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब आप सोचो, एक बॉल ले लूँ मैं, उस बॉल को यहाँ से इस दिशा में ऐसे फेंक दूँ तो क्या उसकी दिशा बदलेगी? जब तक उस पर कोई बल ना लगे सीधी चलती जाएगी वो,
कभी ऐसा हुआ कि यहाँ से मैंने फेंकी बीच में बॉल का मन किया और मैं थक गई इधर बैठ जाते, थोड़ी देर बाद चल लेंगे है, या ये मेरे दोस्त का घर आ गया इसके घर चाय पानी पी लेते हैं, नहीं होता है ना ऐसा। मतलब जिस दिशा में एक बार छोड़ दिया उसी दिशा में वो चलती जाएगी, कब तक, जब तक कि उसको रोका ना जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। कभी आप देखो वो आपकी गलियों में आते हैं चाकू छुरियाँ तेज करा लो, आते हैं नहीं, वो एक मशीन सी लाते हैं ऐसे घूमती है, उस पर जब वो कैंची चाकू रखते हैं ना तो चिंगारियाँ निकलती हैं, तो आप देखना वो जो चिंगारियाँ निकलती हैं वो टेंजेंशियली निकलती हैं, स्पर्श रेखीय है। कैसे, जैसे ये ग्राइंडर होता है इस पर जब आप चाकू घिसते हो तो चिंगारियाँ ऐसे यूं ही तो निकलती हैं इधर हैं, बोलो, तो ये एक ही डायरेक्शन में निकलती है, कभी इनकी डायरेक्शन चेंज होती है नहीं, ऐसे थोड़ी मैं यहाँ खड़ा हूँ बोले एक इसके लग के आती है, है ऐसा होता है कभी, नहीं होता। तो मतलब इन पे जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए इसी डायरेक्शन में जाएंगी। और इससे भी अच्छा एग्जांपल, आप साइकिल चलाते हो, चलाई होगी, हम बरसात के दिनों में कहीं कीचड़ हो रहा है वहाँ साइकिल चलाओ तो जो पीछे जो टायर है ना साइकिल का है ना वो ऐसे टेंजेंशियली जो है वो मड़ को उस कीचड़ को ऐसे उछालता है, यूँ उछालता है, नहीं यहाँ तक जाता है फिर ऐसे नीचे गिरता है, ऐसे तो होता है यूँ है। आप कितने भी स्टंट कर लेना ये जो कीचड़ उछलेगा ना वो ऐसे ही उछलेगा, इसकी डायरेक्शन आप चेंज ही नहीं कर सकते, कर सकते हो क्या, ये तो टेंजेंशियली ही जाएगा, जाएगा या नहीं, कैसे कर सकते हो चेंज, अगर कोई बाह्य बल लगा हो या, समझ रहा, तभी चेंज हो सकती है। तो मतलब कोई भी वस्तु जिस दिशा में गतिमान है वो उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। तो समझ आया क्या जड़त्व का नियम। तो पहला नियम थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, समझ आपके सबके आया, लेकिन मज़ा कम आया होगा, अभी तक फिजिक्स जैसे लगा नहीं होगा है ना। अब दूसरा नियम लेते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल। तो दूसरे नियम से पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना होगा हमें, संवेग, ठीक है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। संवेग क्या होता है, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। आपके पास कोई ये वस्तु है, मान ले इसका द्रव्यमान m है और ये v वेग से गतिमान है इस दिशा में, तो इसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल सदैव नियत रहता है, ये कभी नहीं बदलता है, नियत। क्यों, क्योंकि देखो अगर वस्तु कम द्रव्यमान की होगी तो उसका वेग क्या हो जाएगा बताओ, ज़्यादा। अगर वस्तु कम द्रव्यमान की होगी तो वेग क्या होगा उसका बताओ, ज़्यादा। दो वस्तुएं ले ली, एक भारी ले ली एक हल्की ले ली, दोनों पे समान बल लगाया, समान बल से धक्का मारा, तो कौन सी वस्तु का वेग ज़्यादा होगा, हल्की वाली का होगा या नहीं। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान कम है उसका वेग ज़्यादा हो जाएगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है उसका वेग क्या हो जाएगा बताओ, कम। क्लियर है क्या, भारी वस्तु का वेग क्या होगा, कम, समझ रहे हो आप। एक हल्की वस्तु एक भारी वस्तु दोनों पे बराबर बल लगाओ तो भारी वस्तु धीमे धीमे चलेगी और हल्की वस्तु तेजी से निकलेगी, क्लियर है। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होता है उसका वेग ज़्यादा होता है, और जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसका वेग कम होता है, लेकिन इन दोनों का गुणनफल है वो हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, फिक्स रहता है, वो नहीं बदलता है। जैसे वस्तु का द्रव्यमान 5 है और वेग है इसका 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरे केस में मान लेते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान तो है 20 और वेग है 2.5। अब आप देख रहे हो वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तो वेग क्या हो गया, कम, और द्रव्यमान कम है तो वेग क्या हो गया, ज़्यादा, लेकिन गुणनफल क्या रहेगा इसका बताओ, नियत, ठीक है। तो इसी राशि को हम क्या बोलते हैं, संवेग। तो संवेग को पी से व्यक्त करते हैं, स्मॉल पी से, और ये होगा एम इंटू वी, क्या होगा बताओ, m इंटू वी। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल क्या कहलाता है बताओ, संवेग, ठीक है।
अब संवेग का मात्रक क्या होगा, संवेग को किस में नापते हैं, जैसे द्रव्यमान को किलोग्राम में, आयतन को लीटर में, संवेग का मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, और वेग का मात्रक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछली कुछ क्लासों में और पहले भी पढ़ा होगा, मीटर पर सेकेंड पढ़ा है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड छोटी क्लास में पढ़ा है। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन क्या होता है मीटर में और समय किस में होता है सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड होता है इसका मात्रक। तो बताओ संवेग का मात्रक क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड, बोलो हुआ है। तो ये संवेग है जो आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं न्यूटन की गति का दूसरा नियम जिसे हम बोलते हैं बल संवेग नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम जिसे हम बोलते हैं बल संवेग नियम, ठीक है। संवेग अभी अभी मैंने बता दिया आपको, अब बताओ बल क्या होता है, बल फोर्स, नाम तो सुना है ना फोर्स, खूब क्या होता है बल, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को या उसके आकार को परिवर्तित कर देता है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था या उसके आकार को परिवर्तित कर देता है। बल है क्या, इस पे बल लगा दो क्या होगा, इसकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी, होगी या नहीं बोलो, या फिर वस्तु का आकार बदल जाएगा, जैसे कोई प्लास्टिक की बॉल है या गुब्बारा है, गुब्बारे बल लगाओ तो उसका आकार क्या हो जाएगा बताओ, बदल जाएगा, जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, होगी या नहीं। तो बल वह कारक है जो किसी भी वस्तु के आकार या उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देता है। तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम में जिसको अपन बल संवेग नियम कहते हैं, इससे हमने बल का फॉर्मूला डेराइव किया, कैसे किया, तो इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु पर आरोपित बल, किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल, उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। आप समझ रहे हो, जब किसी वस्तु पे बल लगाओगे तो बल लगाने पर उसके वेग में परिवर्तन होगा या नहीं बताओ, ये वस्तु है इस पे बल लगा दूं तो अभी इसका वेग कितना है जीरो, और जोर से बल लगा दूं तो उसका वेग क्या होगा बढ़ जाएगा। तो किसी भी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, और अगर वेग में परिवर्तन हो गया तो संवेग किस पे निर्भर करता है, वेग पे, तो संवेग में भी परिवर्तन होगा, बोलो होगा या नहीं, क्लियर है क्या। किसी वस्तु पे बल लगाएं, देखो बीच बीच में हाँ हूँ बोल के, हाँ हूँ बोल के अपने जीवित रहने का प्रमाण देते रहें, ठीक है। मुझे थोड़ी एनर्जी मिलती है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, और आप ऐसे देखते रहते हो तो मुझे डाउट होने लगता है, पता नहीं क्या चीज़ मैंने बता दी, है ना। तो ऐसा भी कुछ अभी नहीं पढ़ाया मैंने जो आपकी समझ से परे हो, लेकिन बीच बीच में या तो गर्दन ही हिला दिया करूँ, और गर्दन हिलाने का सीक्वेंस ठीक रखना है, कई लोग कंफ्यूज करते हैं, ऐसे बोलते हैं सर आ गया समझ में, आ गया नहीं आया, नहीं आया, तो ऐसे भी कंफ्यूज नहीं करना है ना, बराबर रेस्पॉन्स देते रहोगे तो मुझे और मज़ा आएगा, है ना, ठीक है। तो देखो, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब किसी वस्तु पे बल लगाएंगे तो बल लगाने पे क्या होगा बताओ, वेग में परिवर्तन, और वेग बदलेगा तो संवेग किस पे निर्भर करता है, वेग पे, ये बदलेगा तो संवेग भी बदलेगा, संवेग में परिवर्तन होगा। तो किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। दर का मतलब देखो, संवेग में परिवर्तन तो आप समझ गए, वेग बदलेगा तो संवेग बदलेगा, और दर शब्द जहां भी आ जाए फिजिक्स में, दर शब्द जहां भी आ जाए, दर शब्द का मतलब होता है समय के सापेक्ष,
समझ रहा हूँ, समय के सापेक्ष, समय टाइम लगा के कि टी बराबर जीरो पे बल लगाया, टी बराबर 5 सेकंड तक बल लगाया, समझ रहा हूँ, तो समय के सापेक्ष। या दर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, संवेग में परिवर्तन बटे समय, संवेग में परिवर्तन बटे समय, ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। नहीं, जहाँ भी फिजिक्स में दर शब्द आ जाए, दर शब्द का मतलब होता है समय का भाग लगाना कि इतने समय में ये हुआ, समझ रहे हो। जैसे वेग क्या होता है, वेग, वेग का फॉर्मूला पढ़ाया अपन ने, वेग, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की। तो दर शब्द का मतलब क्या हो गया, समय का भाग लगाना है, ठीक है, क्लियर है। तो दूसरा नियम क्या कहता है, फिर सुनो, कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, क्लियर है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, होता है या नहीं। तो अब देखो, संवेग में परिवर्तन कैसे होगा ये समझना। मान लें कि प्रारंभ में संवेग है P1, कोई वस्तु है यहाँ है, उस समय उसका संवेग कितना है, P1, और बाद में ये संवेग कितना हो गया बताओ, P2, बदल गया, परिवर्तन हो गया। जब उस पर हमने बल लगाया तो बल लगाने से उसका संवेग परिवर्तित हो गया, तो बताओ संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, P2 माइनस, बोलो हुआ है ना, और बटे समय। मान लो प्रारंभ में समय कितना है, 0, और बाद में समय हो गया T, तो कितना समय लगा, T माइनस 0, मतलब कितना समय लगा बताओ, T, क्लियर है। तो ये गणितीय रूप में लिखा, शब्दों को गणित में लिखा है, वही चीज़ है, बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, बोलो होता है नहीं, आ गया हो। अब मुझे बताओ, मान लो कि ये m द्रव्यमान की वस्तु है और इसका यहाँ पे वेग कितना है, v1, ठीक है, या प्रारंभिक वेग है यहाँ u, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और बाद में जब यहाँ पहुँची तब द्रव्यमान तो वही रहेगा m, लेकिन मान लो वेग बढ़ के कितना हो गया बताओ, यहाँ पे v हो गया। तो बताओ प्रारंभिक संवेग कितना हुआ, प्रारंभिक संवेग, सॉरी P2 निकालना है, P2, तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणा वेग mv माइनस ये प्रारंभिक संवेग P1, m इंटू यू, द्रव्यमान गुणा वेग m इंटू यू, और बटे में कितना आ गया T, तो F समानुपाती, M ले लिया कॉमन, तो ये बच गया V माइनस यू अपॉन, क्लियर है क्या। और अभी पिछली क्लासेज में मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था काइनेमेटिक्स गति की, उसमें बताया था न्यूटन की गति के समीकरण, ये क्या पढ़ रहे हैं, न्यूटन की गति के नियम, और वहाँ क्या बताए थे, न्यूटन की गति के। तो समीकरण में पहला समीकरण आपको याद हो, किसी कोने में पढ़ा हो आपके दिमाग के में, तो ढूंढो ये क्या, मैच करो, स्कैन करके मैच करो, सही है, V इक्वल टू यू प्लस, यही था। तो न्यूटन की गति के प्रथम समीकरण से V इक्वल टू यू प्लस 80, इसको माइनस में ले आओ, V माइनस यू इक्वल टू 80, सही है, टी को भाग में ले जाओ, टी गुणा में इधर भेजेंगे भाग में, तो वी माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू ए। ये कहाँ से पता लगा, न्यूटन की गति के प्रथम समीकरण से, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वी माइनस यू अपॉन टी, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए, तो एफ समानुपाती एम ए, आया है, एफ समानुपाती एम ए। आपको पता होगा जब समानुपाती चिन्ह हटाया जाता है, तो समानुपाती चिन्ह हटा के बराबर का चिन्ह लगाएं तो क्या आता है, एक नियतांक आता है, नियतांक, जैसे कक्षा 10 में पढ़ा होगा V समानुपाती I, पढ़ा है ना, विभव धारा के समानुपाती होता है,
रट्टा मार रखी होगी डेफिनेशन ओम के नियम की। यदि किस चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान रहें तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, लेकिन पता नहीं होगा ये है क्या, रट के बैठे हैं। एक्चुअल में पता भी नहीं होगा कि विभव होता कैसे, कैसे धारा प्रवाहित होती है, उससे मतलब नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि 10th तक की पढ़ाई अलग है, 10th तक की पढ़ाई में 80% रट्टा 20% समझ आता है, और 11th से पढ़ाई करनी है ना तो 80% समझना पड़ता है, 20% रट्टा चलता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है समीकरण, ठीक है। तो देखो V समानुपाती आई पढ़ा है, समानुपाती चिन्ह हटाते ही यहाँ एक नियतांक आया था R, ऐसे, ठीक है। क्यों आता है, कैसे आता है, क्या काम है इसका, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे आप मेरे संपर्क में रहोगे, जितना ज़्यादा रहोगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। एक एक चीज़ जो पहले पढ़ी है और जो आगे पढ़ने वाले हो, हर चीज़ का पूरा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, फुल बायोडाटा। आप देखो अभी तो पता नहीं होगा ये क्यों लगाते हैं, क्या रीज़न है, क्या मतलब होता है, वो सब समझाएंगे। अभी तो सिर्फ ये ध्यान रखो कि जब समानुपाती चिन्ह हटा के और बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ एक नियतांक आएगा, तो नियतांक क्या लेंगे यहाँ पे, के, कोई भी एक नियतांक लेंगे के। तो बल का फॉर्मूला क्या आ गया, के एम ए, बल का फॉर्मूला आ गया के एम ए। तो ये था थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन, केवल मुंह से बनाई हुई बात, फेंका और लग गया तुक्का, ठीक है। अब क्या है कि अगर ये सही है तो प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तो जब प्रैक्टिकल करके देखे गए प्रैक्टिकल लैब में, तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लिए, परीक्षण लिए, अलग अलग वस्तु ली, जैसे 1 किलो की वस्तु ली एक बार 2 किलो की, एक बार 3 किलो की, फिर उनका त्वरण लिया अलग अलग, समझ रहे हो आप, अलग अलग त्वरण से गतिमान कराया कोई भी, जैसे 5 मीटर पर सेकंड से 10, 15, तो ये देख पा रहे थे कि जब बल को नापा गया, बल को मापा गया, मीज़र किया, तो ये मिला 5 न्यूटन, ये 20 न्यूटन और ये 45 न्यूटन, ऐसा मिला, जबकि के जो था के यहीं रह गया, तो के मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ऐसे है ना, ये प्रैक्टिकल करके देखे अलग अलग रीडिंग लेके। तो इन्होंने देखा कि देखो यहाँ गुणा करें तो 5 एकम 5, 5 का इधर भाग लगा दें तो के का मान कितना आएगा, 1। दूसरे प्रैक्टिकल में देखा 10 दूनी 20, 20 का इधर भाग लगाया तो के का मान कितना मिला, फिर इधर देखा 45 का भाग लगाया, तो प्रैक्टिकल करके देखा तो हर ऑब्जर्वेशन में हर प्रेक्षण में के का मान कितना मिला बताओ। तो फिर प्रैक्टिकल लैब वालों ने कहा कि यहाँ पे के का मान क्या रहेगा बताओ, 1 रहेगा, के का मान क्या रहेगा बताओ, 1 रहेगा। तो प्रायोगिक निष्कर्ष ये निकला, प्रैक्टिकली रिजल्ट ये आया कि ये जो फॉर्मूला है एफ बराबर के एम ए, इसमें प्रयोगों से क्या पता लगा कि के का मान क्या रहेगा बताओ, 1 रहेगा, यानी कोई दिक्कत। तो के का मान 1 रखें तो बल का फॉर्मूला क्या आ गया, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, ये आ गया बल का फॉर्मूला, ठीक है। ये आपने पहले भी पढ़ा है, कहाँ से आया ये बताया, इसका मात्रक बताओ, बल को किस में मापते हैं, देखो किस में नापते हैं, द्रव्यमान को किस में नापते हैं, किलोग्राम में। त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण देखना, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और त्वरण क्या होता है, त्वरण वेग बटे समय, ये तो होता है। तो वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड बटे समय का मात्रक सेकंड बटे 1 मान ले, ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड होता है, सब पढ़ाए आपने, भूल गए होंगे, धुंधली यादें, केजी, और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल को किस में नापेंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापेंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ कि साइंस पढ़नी है तो आलसी बनो, तो न्यूटन भी आलसी थे, अब बार बार उनको बोलने में दिक्कत होती थी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उन्होंने क्या कह दिया कि इसको छोड़ो, इसकी जगह तुम न्यूटन ही बोला करो, मेरा नाम तो याद रखोगे कम से कम। तो इसको एक सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट में एक नया नाम दे दिया कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप हमेशा क्या बोलोगे, न्यूटन। तो बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है बताओ, न्यूटन। लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको वीडियो मिलेगा, घर जाके वहाँ देखें
और जब पढ़ाया जाए उसमें से आप रफ कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करें, अच्छे से याद होगा, होगा या नहीं? तो आज की क्लास में गति के दो ही नियम हो पाए और आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। रेगुलर वीडियो आप देखते रहें।